नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंकज देशपांडे, आपका अकाउंटिंग फ्रेंड, और इंद्रधनु एकेडमी के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का वीडियो, जैसा कि आप जानते हैं, हम सीखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट जीएसटी व्हेन इट इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द सेलिंग प्राइस। तो जीएसटी इंक्लूसिव का कैलकुलेशन हम किस तरह से करते हैं, ये हम आज सीखेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी ज़रूर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप बेल आइकन ज़रूर दबाएँ अगर आपने अभी तक नहीं दबाया, ताकि आपको इसके बाद आने वाले नोटिफिकेशन, वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। What is special about it? ये ऐसी क्या खास बात है कि इसे मैं आपको सिखा रहा हूँ? वैसे तो इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन खास बात इसलिए है क्योंकि ये बहुत कम लोग जानते हैं। मैंने देखा है कि बहुत कम लोग हैं जिनको ये पता होता है, तो आज मैंने ये सोचा कि इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और आपको ये बताया जाए। अब चलिए मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ में। क्या एग्जांपल है हमारा कि हमारा 1,00,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट है और जिसके ऊपर 18% जीएसटी है, तो इसके ऊपर मैं आपको बोलूँगा कि इंक्लूडिंग जीएसटी है ये सेलिंग प्राइस। मैं आपको बोल रहा हूँ कि 1,00,000 रुपए में 18% जीएसटी इंक्लूडेड है, मतलब प्रोडक्ट के अंदर ये जो सेलिंग प्राइस है इसके ऊपर जीएसटी इंक्लूडेड है। तो आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? नॉर्मली लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? तुरंत जवाब देते हैं, सर 1,00,000 रुपए का 18% 18,000 रुपए आएगा इसके ऊपर जीएसटी। लेकिन ये जो जवाब है 18,000 रुपए, ये जवाब आपका गलत जवाब है, ये 18,000 नहीं होगा। तो फिर ये क्या होगा, ये क्या होगा, चलिए बताता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ क्या होगा। तो बेसिक अमाउंट हमारा है 1,00,000 रुपए। अभी हम समझते हैं कि 1,00,000 रुपए के ऊपर जीएसटी अलग से लगने वाला है, तो जीएसटी का कैलकुलेशन जो आपने 18,000 बताया वो सही है। अब वो जो कैलकुलेशन है उसी को हम समझेंगे। 1,00,000 रुपए का अमाउंट है और 1,00,000 रुपए के ऊपर 18% 18,000 रुपए होता है। उसके बाद अगर आप उसकी टोटल करेंगे तो 1,18,000 टोटल आएगी, और ये टोटल के बाद में हम समझेंगे कि अभी इसमें परसेंटेज, इसका प्रोपोर्शन किस तरह से है। तो आपका जो 1,00,000 रुपए है ये है 100%, तो मान के चलते कि 1,00,000 रुपए इज 100%। उसके बाद जो 18,000 रुपए है वो 18% हो जाएगा, 18% हो जाएगा, और उसके बाद में इसकी जो टोटल आ रही है ये टोटल आएगी 118। तो ये है इसका प्रोपोर्शन, आपस में इसकी जो रिलेशनशिप है ये है 100, 18 और 118। अब हम जो बात कर रहे हैं, हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 1,18,000 रुपए जो है ये क्या है। अब इसके मुझे दो टुकड़े करने पड़ेंगे। एक टुकड़ा जो रहेगा मेरा वो रहेगा 100 वाला टुकड़ा, तो 100 वाला टुकड़ा है 1,00,000 रुपए का, और 18 वाला जो टुकड़ा है वो 18 वाला टुकड़ा है जो 18,000 का। तो ऐसा दोनों मिला के 118 हो गए मेरे। अब इसी चीज़ को हम और गहराई में समझते हैं। अब हम 1,00,000 रुपए की बात कर रहे हैं, ये 1,00,000 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी है, इसके अंदर जीएसटी मिला हुआ है। पहले हमारा जो अमाउंट था इंक्लूडिंग जीएसटी वाला वो था 118, मतलब 1,18,000। अभी ये जो अमाउंट है इसके अंदर जीएसटी मिला हुआ है, तो जीएसटी मिला हुआ है मतलब ये 1,118 टुकड़े हो गए। तो 1,118 टुकड़े हो गए, तो 100 टुकड़े कितने होंगे, 100 वाला पार्ट कितना होगा और 18 वाला पार्ट कितना होगा? 100 वाला पार्ट इसका होगा 84,746, और जो 18 वाला पार्ट है वो 18 वाला पार्ट आपका होगा 15,254, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब ये कैलकुलेशन मैंने किया कैसे, चलिए इसे भी समझते हैं हम। ये कैलकुलेशन मैंने कैसे किया, टोटल अमाउंट जो है वो मेरा 1,00,000 रुपए है, और 1,00,000 रुपए में जीएसटी इंक्लूडेड है मेरा। 1,00,000 रुपए में जीएसटी इंक्लूडेड है मतलब ही क्या, ये जो 1,00,000 है ये मेरा 118% है, 118 टुकड़े है इसमें। अब ये 118 टुकड़े मैं अलग अलग करता हूँ। 1,00,000 रुपए लिया मैंने, डिवाइडेड बाय मैं क्या करूँगा, डिवाइडेड बाय मैं करूँगा 118, और 118 मल्टीप्लाइड बाय इसको करूँगा मैं 100 से। मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, ये आ गया मेरा 84,745। तो 84,745 आ गया। अब इसी को मैं रिवर्स कैलकुलेशन करके भी निकल सकता हूँ, मतलब 1,00,000 माइनस 84,745 ये करके भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ जीएसटी अमाउंट कितना है मेरा, या फिर 1,00,000 डिवाइडेड बाय 118 मल्टीप्लाइड बाय 18। अगर ये मैं करता हूँ तो मेरा बेसिक अमाउंट के ऊपर जो जीएसटी है वो भी मेरा आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जीएसटी और मेरा टोटल अमाउंट, ये तीनों कैलकुलेट हो चुके हैं।
तो मित्रों इसी तरह से आप किसी भी अमाउंट के ऊपर अगर बैक कैलकुलेशन करना चाहे तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर समझो ये जीएसटी का रेट 12% होता तो हम क्या करते हैं, तो जो भी अमाउंट है आपका, जो जीएसटी इंक्लूसिव अमाउंट है वो डिवाइडेड बाय 112 करना। अगर आपका जीएसटी रेट 5% है तो जो भी अमाउंट है उसे डिवाइडेड बाय 105 करना, और अगर जीएसटी अमाउंट आपका जीएसटी का रेट 28% है तो डिवाइडेड बाय 128 करना और मल्टीप्लाइड बाय 100 या फिर 28। तो इस तरह से आप ये कैलकुलेशन बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो मित्रों मुझे आशा है कि आज के वीडियो से आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। ये वीडियो इसी तरह के हमारे और भी आते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।